नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव चीनी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। बताते चले कि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और राष्ट्रीय दल एवं क्षेत्रीय दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिए हैं और प्रत्याशी जी जान लगाकर क्षेत्र में चुनाव अभियान को लेकर अपनी सक्रियता को बढ़ा दिए हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम द्वारा गठित भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जनपद लखीमपुर खीरी 138 निघासन विधानसभा के प्रत्याशी कमरूल हुदा अपने क्षेत्र के जनता के बीच जाकर अपनी पार्टी की नीतियों को साझा किया और बताया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो गरीब दलित व पिछड़े और मुस्लिमों के हक के लिए एवं रोजगार शिक्षा चिकित्सा से जो वंचित है उन सबको सभी बुनियादी सुविधा को दी जाएगी। हमारी पार्टी जातिवाद धर्मवाद व वंशवाद की राजनीति करने वालों के विरुद्ध बिगुल जा चुकी है। देखिए ऐसा है कि ये हमारी पार्टी जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है ये सरकार बनाएगी, क्योंकि हमने वैसी साहब के सदारत में, वैसी साहब के सरप्रस्ती में और वैसी साहब के राष्ट्रीय नेतृत्व में ये गठबंधन किया है। जन अधिकार पार्टी हमारी अगर सरकार बनाती है तो निघासन जो हमारा क्षेत्र है 138 विधानसभा क्षेत्र, यहाँ की जनता के लिए जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके बेस के ऊपर हम वो काम करके दिखाएंगे जो आज तक के यहाँ का कोई विधायक नहीं कर पाया है। जैसा कि सर इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियाँ सत्ता में आईं और बड़े बड़े वादे करके चली गईं, लेकिन फिर भी उनके वादे नहीं किए, तो यही परिवर्तन करना। बहुत सही सवाल रहा आपका, यही परिवर्तन करना, जो करके नहीं गई, वादा करके चली गई लेकिन करके नहीं गई, यही हमारी क्रांति लाएगी। जो हमारी भागीदारी परिवर्तन पार्टी है, नाम ही इसका रखा हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, यानी ये हमारा वो मोर्चा है जो नया परिवर्तन लाएगा। जो अब तक झूठ बोल करके लोग गए हैं यहाँ से, वो हम पूरा करेंगे, ये मेरा वादा। जैसा कि सर सभी पार्टियां कहते हैं हम गरीबों का दुख दर्द हटाएंगे, उनकी गरीबी हटाएंगे और हर गरीब मजदूर के पास जो भी समस्याएं हैं उनको मतलब खत्म करके उनको एक सही रास्ते पे लाएंगे, तो सर क्या आपकी पार्टी इसमें कुछ कहना चाहेगी? यही तो हम बता रहे हैं, सवाल आपका फिर रिपीट हो गया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मतलब ही यही है कि जो झूठ बोल करके हमारे जनता को गुमराह करके गए हैं और गुमराह करते चले आ रहे हैं, यही हमारी पार्टी इस गुमराहियत को खत्म करेगी और गुमराहियत को खत्म करके नई दिशा निर्देश देगी ताकि यहाँ की आवाम की जो हक है वो मिल सके। थैंक यू। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।